I was born in Hasan, place in Karnataka. My father is from Mysore, so most of my childhood was in Mysore. My father was a BMTC bus driver and my mother was a housewife. So just like any other middle class, this thing, we were leading a happy life and then I wanted to become an actor. School mein, raste mein, ये गणपति त्योहार में सब डांस करता था मैं. मुझे वैसे ही विश्वास हो गया था कि मैं ऑलरेडी एक स्टार हूँ और स्टार बनूंगा, फिल्म एक्टर बनूंगा. उसका कितना मेहनत है, वो कितना मुश्किल है, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन दिमाग में तो वो बैठ गया था. आई नेवर हैड एनी अदर ऑप्शंस, नो प्लान बी. मुझे हमेशा एक बात पे विश्वास है कि जब किसी चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, उसका वैल्यू हमको पता नहीं चलता. तो जो बहुत मेहनत से, मुश्किल से, बहुत ट्राई करके मिलता है ना, उसका वैल्यू हमें पता होता है. सो आई एम ग्लैड दैट मुझे ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिला और मेरा लॉन्च नहीं हुआ. उसको एक एक स्टेप करके हमें हासिल करना पड़ा, तो उससे हमें उसका वैल्यू रहता पता चलता है. और वो स्ट्रगल है ना, बहुत सिखाती है. सक्सेस कुछ नहीं सिखाता है ज़िंदगी में. सक्सेस में तो सब आपको चढ़ाते हैं और सब कुछ अच्छा लगता है दुनिया, बट द हार्डशिप और वो मुश्किल हालात से आप गुजरते हैं ना, तभी आपको कुछ सीखने को मिलता है. वो बचपन से मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे उतना मुश्किल इसलिए दिया कि जैसे एक कहानी है ना, वो चाइनीज़ बैम्बू की, वो दो साल वो बैम्बू लगा के पानी डालना पड़ता है, उससे कुछ नहीं होता है. दो साल में कुछ ग्रोथ नहीं मिलता है, लेकिन दो तीन साल के बाद सिर्फ तीन चार महीने में वो 80 फीट बड़ा हो जाता है. उस टाइम तक वो रूट्स ग्रो करता रहता है. तो उसका मतलब ये है कि उतना बड़ा होने के लिए उतना रूट्स भी होना चाहिए. सो हमारे लाइफ का मुश्किल हालात और वो जिस तरीके से हम गुजरे, वहाँ पे वी कुड गेट दैट थिंग, वो ग्राउंडेड रह सकते हैं और जितना ऊपर चाहिए तब आप बढ़ सकते हैं. आई थिंक यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ. पहली बात ये है, आपको अपने आप पर विश्वास रहना और अपने आप पर इज्जत रहना. तो जिस तरीके से आप अपने आप को ट्रीट करेंगे ना, उसी तरीके से दुनिया आपको ट्रीट करेगी. अगर आपको ही लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कि दुनिया भी बोलेगा अरे तू कर सकता है कि नहीं. अगर आपको लगेगा कि मैं ज़रूर करूँगा और मैं इतना अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो लोगों को वो पासान हो जाएगा. मेरे हिसाब से सब स्टार्स और कोई सक्सेस है ना, पहला दिमाग में होता है. यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू थिंक दैट यू आर समथिंग एंड यू कैन डू समथिंग. पहले अपने आप को रिस्पेक्ट करो, अपने आप पर विश्वास करो, सब मानेंगे. दुनिया मानने में टाइम लेगी, आप पहले आपको मनाओ, तो उसके बाद सब मानेंगे. मेरा ये मानना है कि पहला गलती करो, बाद में अपने आप को कॉन्फिडेंस आ जाएगा. थोड़ा ध्यान दोगे तो कुछ भी सीख सकते हैं. हाँ, तरीका होता है यार, कुछ भी कर सकता है. मेरे हिसाब से वो यू हैव टू ब्रेक इट डाउन, छोटे छोटे चीज़ में ब्रेक डाउन करके हर चीज़ को. एक ही बार आप रातों रात कुछ भी नहीं कर सकते, वो कॉन्स्टेंट एफर्ट रहना है, उससे तो आ जाएगा. दिमाग को उतना स्ट्रेंथ है, जो भी चीज़ आप करते रहोगे ना, हाँ. तो अपने आप ठीक कर लेगा. सिर्फ KGF का नहीं है, मेरा ज़िंदगी में बहुत सारे सक्सेस देखा हूँ मैं, और वो सक्सेस हमेशा तभी रहता है आपके पास जब वो सक्सेस को आप रिस्पेक्ट करते हो. सक्सेस इज समथिंग विच गिव्स यू लॉट ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस. विद दैट इज यू कैन डू बेटर थिंग्स. सी, इफ यू आर नॉट रेडी टू फेल, यू कैन नेवर बी सक्सेसफुल.